लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी के शिकार होते चले जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेतृत्व में जो जन कल्याण गरीब कल्याण नीतियों योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है तो उसका पूरा शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गया है। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस लगातार हार की खींच से उनका पूरा टॉप लीडरशिप सदमे में है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि कांग्रेस के चरित्र का चित्रण करने में भी वह दिखता है। देश की जनता सब जानती है और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पर लगे नक्सल्स, टेररिस्ट, एंटी इंडिया फोर्सेस के समर्थन वाले लेबल का स्कैन करने का समय आ गया है। कांग्रेस बताए संसद पर हमला करने वाले दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किस किस ने खटखटाए थे। कांग्रेस बताए बाटला हाउस एनकाउंटर में हुई आतंकियों की मौत पर कौन फूट फूट कर रोया था। कांग्रेस बताए आतंकी अफजल गुरु के बरसी पर जेएनयू में भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं कि नारे लगाने वाले कार्यक्रम में खड़े होकर किसने समर्थन दिया था। कांग्रेस बताए सैफरन टेररिज्म का शिगुफा किस पार्टी के सरकार ने गृहमंत्रियों के और किस पार्टी की सरकार के गृहमंत्री ने छेड़ा था। कांग्रेस बताए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे, किसने प्रमाण मांगे थे। कांग्रेस बताए किसने अमेरिका के राजदूत से कहा था कि इस देश को आतंकियों से ज्यादा खतरा हिंदुओं से है। कांग्रेस बताए नक्सलियों को शहीद और क्रांतिकारी किस पार्टी के नेता कहते हैं। कांग्रेस बताए नक्सलियों का हमदर्द और भारत विरोधी साजिशों का मास्टरमाइंड जॉर्ज सोरोस से उनका क्या कनेक्शन है। कांग्रेस बताए भारत विरोध की आग में अंधे इलहान उमर जैसे लोगों को विदेश जाकर कौन मिलता है। कांग्रेस बताए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हत्या की साजिश रचने वाले अर्बन नक्सलियों के समर्थन में कौन खड़ा हुआ था। कांग्रेस बताए प्रतिबंधित आतंकी संगठन और हाफिज सईद और पन्नू जैसे आतंकी कांग्रेस का खुला समर्थन क्यों करते हैं, क्या हमदर्दी है उनको। कांग्रेस बताए हर दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान कांग्रेस का हमदर्द कैसे है। कांग्रेस बताए जब डोकलाम में हमारे सैनिक अपनी सीमा की रक्षा के लिए जुटे हुए थे तो आधी रात को चीनी दूतावास में कौन गया था, कौन वहां चीनी दूतावास में वार्तालाप कर रहा था, कौन वहां गलबाइयां कर रहा था। कांग्रेस बताए उसने चीन की सत्ताधारी पार्टी से एमओयू साइन क्यों किया और वो एमओयू क्या है, वो देश को के लिए कितना घातक है, इस देश को कौन बताएगा। कांग्रेस बताए किस पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान से मोदी को हटाने की मदद मांगी थी। कांग्रेस बताए किसने विदेशी धरती पर विदेशी ताकतों से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग की थी कि आओ और हमारे लोकतंत्र को बचाओ। कांग्रेस बताए भारत तोड़ो यात्रा में भारत विरोधी ताकतें क्यों शामिल हुई थी। कांग्रेस बताए संसद में ट्रिपल तलाक के समर्थन किसने किया था, कौन नहीं चाहता था कि ट्रिपल तलाक को समाप्त किया जाए, कौन पार्टी थी जिसने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया था। कांग्रेस ये भी बताए कि जब धारा 370 पारित हो रही थी उस समय कांग्रेस विरोध में क्यों खड़ी हुई थी। कांग्रेस की ये लिस्ट इतनी लंबी है
कि इसके लिए अलग से 7 दिन की कथा करवाई जाए तब भी वे पूरी नहीं होगी। मैंने तो केवल कुछ गिने चुनी घटनाएं आपके सामने जिक्र किया है। मेरी कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी एक सलाह है कि वो कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, क्या पता वे जो बोल रहे हैं उसे पहले से ही कांग्रेस ने अपने आचार विचार संस्कार में उतार लिया हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपके जो थोते कुतर्क गढ़ने से काम नहीं चलेगा। हर बार जब भी लोकतंत्र के मैदान में भाजपा का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामना नहीं कर पाते हैं तो अपने नामदार युवराज के कारण शर्मसार होते हैं, तो आप गाली देने शुरू कर देते हैं, उलूल जुलूल बोलना शुरू कर देते हैं। खड़गे जी, हरियाणा की हार पर आपको एक आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं ये समझ सकता हूँ कि आप एक फेल्ड प्रोडक्ट को के हार का मालिकाना हक से बचाने और उस फेल्ड प्रोडक्ट को चमकाने के चक्कर में पूरी कांग्रेस पार्टी का बौद्धिक पतन हो चुका है, उसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। खड़गे जी, अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करने के बजाय कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी जो डिक्शनरी है जिसमें गुमराह, वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण, देश को बदनाम करने की साजिश, पॉलिटिक्स ऑफ कास्टिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन, स्कैम, झूठ की राजनीति शब्दों का ही विशेष स्थान देने की आदत और परंपरा बना ली है। देश की सबसे पुरानी पार्टी एक ऐसी दशा पर आ गई है जिसको देखकर वास्तव में मुझे बहुत दुख होता है। देश की जनता जानती है कि देशद्रोही ताकतों, अरबन नक्सलियों और देश को बदनाम करने वालों की साजिश रचने वाले का समर्थन कौन सी पार्टी कर रही है। हो सके तो समय निकालकर इन बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी सोचे, वह देश की जनता की नज़रों में इतना क्यों गिर गई है, क्यों लोगों का विश्वास आपसे समाप्त हो गया है। हर चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है खड़गे जी, आप अपने घर का आत्मचिंतन करें, वही ठीक रहेगा।